नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? पिछले दो दिनों से कंटिन्यूअसली मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। आप सभी के मैसेजेस में एक ही चीज आ रही है कि सर डेल्टा क्रोन के ऊपर प्लीज वीडियो बना दीजिए, डेल्टा क्रोन बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है, ऐसी न्यूज आ रही है। और क्या डेल्टा क्रोन वाकई में वापस से नेगेटिविटी लेकर के आएगा? क्या डेल्टा क्रोन वाकई में वापस से तबाही मचाने की कोशिश करेगा? आखिर क्या है डेल्टा क्रॉन, किस तरह से ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर इसका कैलकुलेशन निकलता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डेल्टा क्रॉन की जब न्यूज आई थी तब की मैंने कुंडली बना के रखी हुई है अपने सामने, साथ ही साथ अभी का जो समय चल रहा है उसकी कुंडली बना के रखी हुई है एज एन प्रश्न कुंडली, और साथ ही साथ आपसे जब आपके सवाल आए थे तब का जो टाइम फ्रेम था उसको भी मैंने कैलकुलेशन में यहां पर रखा है। आप समझिए कि अभी किस तरह से ग्रह पैटर्न यहां पर चल रहा है। ग्रह पैटर्न को अगर समझते हैं तो सूर्य का जैसे ही राशि परिवर्तन हुआ, सूर्य और गुरु की युति बनी, वैसे ही डेल्टा क्रॉन की खबरें जो है वो थोड़ी सी बढ़ने लग गई। एक तरफ सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्य और गुरु की युति बनी, ये पॉजिटिव न्यूज थी। बट क्योंकि सूर्य की डिग्री जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, सूर्य अभी स्ट्रांग पोजिशन में नहीं पहुंचा है, इस कारण से इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। इसके पीछे एक और लॉजिक भी है कि मैंने आप सभी को कहा था कि आने वाले समय में कुछ ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि चीज होगी छोटी, घटना होगी छोटी बट देखने में बड़ा लगेगा, और बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट किया जा सकता है, पैनिक क्रिएट हो सकता है, इसके चांसेस यहां पर बनते हैं। दूसरी चीज, काफी बार लोगों को लग रहा है कि शनि धनिष्ठा में जा रहे हैं, इस कारण से भी ये दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं। एक चीज आपको मैं कहूंगा, शनि यहां पर धनिष्ठा नक्षत्र में जो जा रहे हैं, ऑलमोस्ट जा ही चुके हैं अब तो, वो पॉजिटिव ही रिजल्ट दे रहे हैं, वो नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे रहे हैं अब तक तो, क्योंकि धनिष्ठा का बेस अभी पूरा बना नहीं है। धनिष्ठा का जब बेस पूरा बनेगा तब चीजें चलना शुरू होंगी एंड तब घटनाएं बढ़ना शुरू होंगी, तो इसीलिए अभी शनि को भी दोष देना गलत होगा। साथ ही साथ तीसरा इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो आता है इसमें, वो आता है राहु और केतु। राहु और केतु का जो कालसर्प दोष बना हुआ है अभी भी, ये कालसर्प दोष कहीं ना कहीं काम कर रहा है और बीच बीच में फ्लक्चुएशन यहां पर देता जा रहा है, क्योंकि कालसर्प दोष भी जो है वो अभी बना रहेगा और अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कालसर्प को तो भूल चुके हैं, ऑलमोस्ट उसको हमने दिमाग से निकाल दिया। इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक क्या है, दिमाग से क्यों निकाल दिया, क्योंकि हमने कालसर्प की बातें तो पहले बहुत सुनी थी जनवरी के महीने में, जब चल रहा था कि कालसर्प ये कर देगा, कालसर्प वो कर देगा, दिसंबर में भी काफी कुछ सुना था, बट हमने चैनल पे बताया था कि कालसर्प किस तरह से प्रभाव देगा और कितना कितना प्रभाव देगा, और जब आप उस चीज को आपने जब रियलिटी में देखा तो सबके दिमाग से कालसर्प निकल गया कि कालसर्प कुछ है ही नहीं। अभी तो सभी धनिष्ठा नक्षत्र के पीछे ही लगे हुए हैं कि शनि धनिष्ठा में ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा, बट मैंने आपको पहले भी कहा था शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में नेचर के ऊपर ही प्रभाव ज्यादा दिखेगा और पानी के ऊपर ज्यादा गतिविधियां देखने को मिलेंगी, और वो अभी देखने को भी मिल रही है। पिछले दो दिन से मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं कि सर देखिए जहाज डूब गया, एक जहाज में आग लग गई, इस तरह की घटनाएं यहां पर वापस से देखने को मिलना शुरू हो चुकी है, तो ये जरूर यहां पर पैटर्न बन रहा है। डेल्टा क्रोन की जो पोजीशन बन रही है, डेल्टा क्रोन की जो स्थिति बन रही है, ये यूके की तरफ यहां पर ज्यादा बनी है, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में आता है आपका। नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो स्टिल फ्लक्चुएटिंग डायरेक्शन में बना हुआ है। अभी आप देखिएगा भूकंप के झटके भी जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो नॉर्थ में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ नेचर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज या फिर वायरस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज जो देखने को मिल रही है वो भी नॉर्थ में ही देखने को मिल रही है। बट डेल्टा क्रोन का जो प्रभाव रहेगा ये बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। डेल्टा क्रोन आप सभी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, सबसे पहले इस चीज को क्लियर करिए, दिमाग में बिल्कुल क्लियर करिए कि डेल्टा क्रोन से हमें नुकसान नहीं होने वाला। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, डेल्टा क्रोन का जो एक फेर है कि कितने टाइम तक ये इंपैक्टफुल रह सकता है या कितने टाइम तक ये हमें प्रभाव देता हुआ दिखाई दे सकता है, तो नहीं नहीं करके भी एक से डेढ़ महीना मैक्सिमम डेल्टा क्रॉन की बातें चलेंगी, बट एक महीना तो अभी चलती है, कहीं ना कहीं इस तरह के चांसेस बनते हैं। क्योंकि देखिए समय तो शुरू हो चुका है, हालांकि सूर्य जैसे ही 6 से 8 डिग्री क्रॉस करेंगे वैसे ही चीजें धीरे धीरे और सामान्य होती जाएंगी, बट पंचग्रही युति बन रही है, पंचग्रही युति के कारण से फिर एक अफवाहों का माहौल उड़ेगा, फिर थोड़ी सी बातें यहां पर चलना शुरू होंगी जो कि आपकी 17-18 मार्च तक चलेगी, उसके बाद फिर धीरे धीरे चीजें वापस से चेंज होना शुरू होंगी, एंड उसके बाद जब सूर्य का वापस राशि परिवर्तन होगा तो फिर कुछ दिनों के लिए बातें चलेंगी, फिर वो बातें वापस से बंद हो जाएंगी।
तो कुछ इसी तरह का डायरेक्शन यहां पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस कारण से डेल्टा क्रोन के जो प्रभाव है ये बहुत ज्यादा खतरनाक मुझे अभी नहीं दिखाई देते, कंट्रोलेबल है, बिकॉज कालसर्प उतना स्ट्रांग नहीं है, कालसर्प के जो प्रभाव है वो उतने खराब नहीं आ रहे, उतने डाइवर्स नहीं आ रहे। अब देखिए यही फर्क होता है ग्रहों को कैलकुलेट करने का। कालसर्प तो कालसर्प है, कालसर्प आपका लास्ट ईयर भी बना था, कालसर्प का लास्ट ईयर भी बना था, बट हर साल में कालसर्प ने जितना प्रभाव दिखाया, जितना नेगेटिविटी दिखाई, उतना नेगेटिव अभी नहीं दिखा रहा। एंड दैट इज कॉल्ड द कैलकुलेशन ऑफ द प्लैनेट्स, कि सेम पैटर्न पे कालसर्प बना है, वही वृषभ, वही आपका वृश्चिक, कालसर्प तो यही बन रहा है, लास्ट ईयर भी यही बन रहा था, बट ये कालसर्प ने उतना नेगेटिव नहीं दिखाया। एंड यही एक रीजन है कि कालसर्प ने अपना काम तो किया, अपनी छाप तो छोड़ दी, बट बहुत ज्यादा लंबे समय तक प्रभाव नहीं दिखाए। तो इसीलिए और अच्छी बात क्या होने वाली है कि मंगल यहां पर अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मंगल राशि परिवर्तन जैसे ही करेंगे चीजें और भी ज्यादा पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी, मेडिकल साइंस में और भी ज्यादा तरक्की मिलती हुई नजर आएंगी। और जैसे मैंने आपको कहा कि मेडिकल साइंस अभी बहुत तरक्की करने वाला है, आने वाले 3 महीने मेडिकल साइंस के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। डेफिनेटली कोरोना को लेकर के और भी सक्सेस हमें देखने को मिलेगी, मतलब कि मेडिकल साइंस में कोरोना को लेकर के और भी सक्सेस हमें यहां पर देखने को मिलती हुई नजर आती है आने वाले समय में। तो इसीलिए आप सभी को कहूंगा कि डेल्टा क्रोन को लेकर के भी दिमाग में इतना परेशान मत होइए, इतना पैनिक मत होइए। एनी काइंड ऑफ वेरियंट ऑफ कोरोना नाउ इट विल बी डिक्रीज ओनली, ये बात फिक्स है, इस बात को कोई चेंजेस नहीं कर सक नहीं है इस बात में कोई चेंजेस, क्योंकि डेल्टा के बाद से जितने सारे वेरिएंट आ रहे हैं, डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन इज अ डेल्टा क्रोन, वहां पर एक कॉम्बिनेशन बना है, इट्स अ हाइब्रिड वेरिएंट ऑफ डेल्टा एंड ओमिक्रॉन, उसके बाद कुछ और भी वेरिएंट आते जाएंगे, बट अब ये बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ समय तक सिम्टम्स रहेंगे फिर वो खत्म हो जाएंगे, इट्स लाइक अ फ्लू ओनली। सो मेडिसिंस काम करेंगी यहाँ पर अभी भी, मेडिसिंस से कोई नुकसान नहीं किसी को भी, वैक्सीन्स आपकी काम करेंगी, वैक्सीन से अभी कोई नुकसान यहाँ पर नहीं दिखाई देता। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्लैनेट पैटर्न जो है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर चल रहा है, नेचर को लेकर के वो डाइवर्स है, नेचर में घटनाएं हो सकती हैं, बट डिजीज को लेकर के वो बिल्कुल भी नेगेटिव यहाँ पर नहीं है, आपकी इम्यूनिटी पावर को लेकर के वो बिल्कुल भी यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, क्योंकि गुरु अस्त है या फिर गुरु के जो प्रभाव है वो उतने नहीं निकल के आ रहे, इस कारण से थोड़ा सा वहां पर नेगेटिव रिजल्ट यहां पर जो है वो हमारे थॉट्स के साथ देखने को मिल सकता है। हम ओवरथिंकिंग के कारण से परेशान हो सकते हैं, या कि कोई बात सुन के उसको बात को दूसरे तक पहुंचा के दूसरों को परेशान कर सकते हैं, इसके चांसेस तो यहां पर बहुत स्ट्रांग बने हुए हैं, ये आने वाले 1 महीने तक चांसेस बने रहेंगे। तो इसीलिए अभी सारी चीजें बैलेंस चल रही हैं और अभी 10 दिन तो कम से कम बैलेंस्ड रहेंगी, उसके बाद ही कुछ डाइवर्स यहां पर देखने को मिलने वाला है। 10 तो नहीं, 5-6 दिन अभी थोड़ा सा शांत है, तो अभी 5-6 दिन और आराम से निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहले भी कहा था 15 फरवरी तक कुछ नहीं होने वाला है, 15 फरवरी तक शांति रखिए, देखिए 15 फरवरी तक सारी शांत थी, कहीं कुछ नहीं हुआ, ना कोई वॉर हुई, ना ही कोई वायरस के रिलेटेड कोई न्यूज थी, ना ही कोई नेगेटिव न्यूज थी। जैसे ही 15 तारीख क्रॉस करी, वॉर के चांसेस भी यहां पर देखने को मिल गए, बट वॉर भी होना नहीं है, हमने पहले ही बता दिया है, और वायरस के भी खबरें वापस से आने लग गई, बट वो भी यहां पर खतरनाक नहीं होगा, ये भी मैं आपको यहां पर क्लियरली बताने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि आप ग्रहों को समझेंगे, ग्रहों की चाल को समझेंगे और उसको समझ के आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ना तो आप भ्रमित होंगे और ना ही आप दूसरों को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत आराम से इसको आगे ले जाने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, और साथ ही साथ आने वाला जो समय है उसमें अब अच्छी चीज़ें होने का इंतज़ार करिए, क्योंकि यहाँ से 40-45 डेज का जो पैटर्न बन रहा है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग पैटर्न है, तो यहाँ पर दिमाग शांत रखने की पूरी तरह से ज़रूरत है आप सभी को। दिमाग जितना शांत रखेंगे आप सभी उतना ही रिलैक्स रहेंगे और उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। ये बात मैंने अपने पुराने वीडियो में भी कही थी कि इस समय में दिमाग को शांत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चॉइस आपकी है, सारी चीजें आपके सामने हैं और आप किस तरह से अपने आप को शांत रखते हैं ये भी आपके ऊपर है। वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और सूर्य की आराधना कर लीजिए, सूर्य को जल चढ़ा दीजिए, आदित्य हृदय स्त्रोतम का पाठ कर लीजिए, आपको शांति मिलेगी, दिमाग बैलेंस रहेगा और कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। एंड डेफिनेटली ये समय आराम से निकल जाएगा, बस जस्ट गो विद द फ्लो, थोड़ा सा समय है वो इंतजार कर लीजिए, 1 महीना निकलेगा, उसके बाद सारी चीजें बैलेंस्ड होती हुई दिखेंगी।
उम्मीद करता हूं कि वीडियो भी अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।